आज देश के कई राज्यों के दो शहरों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में भी ड्राई रन चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर पहुंचे, जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। देश में वैक्सीन का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है, ऐसे में हर किसी के दिमाग में ये है कि आखिर जब हम वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे तो उस वक्त किस तरह की तैयारियां हमें देखने को मिलेंगी। हम इस वक्त है राजधानी दिल्ली के का जो ड्राई रन चल रहा है पूरे देश में जीटीबी अस्पताल में। हम आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ से आप इस तरह यहाँ से निकल कर सामने से आएंगे और यहाँ ये देखा ये सबसे पहले आपका जो वेटिंग रूम है ये यहाँ पर आकर आपको बैठना होगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, सारे इंतजाम किए गए हैं। इस पर मुझे डमी के तौर पर आप देख सकते हैं कि मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, एक सर्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और अभी जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो जीटीबी अस्पताल में पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए फुट मार्क्स बने हुए हैं, बताया गया है यहाँ पर। ये फुट मार्क्स से यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर आपका कोविन ऐप से आपकी जानकारी ली जाएगी और कोविन ऐप से जानकारी लेने के बाद आपको इसके बाद भेजा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। बिल्कुल आपको बताया गया है कि आखिर कैसे जाना है। ये आप देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मैडम बैठी हुई है, उनके पास भी वही पेपर है जो बाहर है। कोविन ऐप से उनको भी डिटेल दी गई है किस तरह से करना है और ये देखिए उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है यहाँ पर। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप आगे निकलते हैं, देखिए फुट मार्क्स बने हुए हैं, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा, यहाँ पर आपको तकरीबन 30 मिनट तक रखा जाएगा और देखा जाएगा कि आप किस तरह से कहीं आपके अंदर कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी तरह का वो तो नहीं हो रहा है। ये देखिए ये डमी के तौर पर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ से बाहर 30 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। वैक्सीनेशन सेंटर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की तैयारियाँ की गई हैं सबको वैक्सीन मिलेगा ये भारत सरकार कह चुकी है, लेकिन पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कब अप्रूवल मिलता है और उसके बाद कब से वैक्सीनेशन शुरू होता है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।